Excuse me? मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूं? देखिए आप इस तरह से घबराइए मत, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूं। लगता है आप किसी शादी के मंडप से भागकर आ रही हैं। देखिए आपके पास इतना बड़ा बैग है और इस हाईवे पे अकेली खड़ी रहना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप के पास खड़ी थी। कहाँ गई वो? मुझे तो लगता है वो दुल्हन नहीं, दुल्हन के रूप में कोई आत्मा। नहीं नहीं, आत्मा होती तो जान से ही मार देती, सिर्फ हाथ नहीं काटती। आओ शालिनी, तुम्हारा इस नई जिंदगी में स्वागत है। ये देखो हमारे प्यार का आशियाना। आशियाना तो अपनों से बनता है दीपक, परिवार से बनता है, पर देखो ना यहाँ तो कुछ भी नहीं। अगर आज मेरी सास होती तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर अपने इस नए जीवन की दहलीज पर कदम रखती। शालिनी, मां नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना। और हाँ, मैं तुम्हें कभी किसी रिश्ते किसी नाते की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ओके, सो स्वीट। अंदर चले। हाँ एक मिनट, मैं अभी आया। अरे मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? डोंट वरी, मैं यूं गया और यूं आया। और हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊ ना तुम अंदर मत आना। ओके ओके ठीक है। शालिनी। दीपक, क्या मैं अंदर आ जाऊं? दीपक जवाब क्यों नहीं दे रहा? दीपक
ये लाइट को क्या हो गया? दीपक दरवाजा खोलो दीपक, मुझे डर लग रहा है। दीपक मैं अंदर आ रही हूँ। अगर माँ होती तो ये सब करती, पर वेलकम। थैंक्स दीपक, मेरा आज का दिन इतना यादगार बनाने के लिए। इस फोन को भी अभी बजना था, एक मिनट पकड़ना, बॉस का फोन है। तुम एक काम करो, तुम ऊपर कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं बस 2 मिनट में आया। ओके ओके। हाँ सर बोलिए। हाँ ओके ठीक है, आ जाऊंगा। क्या बात है, आज तो मेरी जान लेकर ही छोड़ोगी? तो ले लो ना मेरी जान। तुम्हें बताया शालिनी, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, सच में। थैंक्स अ लॉट मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, बस तुम हमेशा मेरे साथ में रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैं फ्रेश होकर आता हूं। तुम क्या हुआ? दीपक, दीपक कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? अगर तुम बाथरूम में थे तो यहाँ कौन था? तुम किसकी बात कर रहे हो दीपक? वही जिससे मैं बात कर रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है दीपक। नहीं चलेनी,
वो यही थी। यहाँ ना कोई है ना कोई था दीपक। हाँ शालिनी यहाँ पे था कोई, मैं उसी से बात कर रहा था। दीपक काम डाउन, दीपक यहाँ कोई नहीं है। शालिनी लगता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और हर जगह तुम्हें मैं ही मैं नजर आती हूँ। दीपक, दीपक, क्या हुआ? क्या हुआ दीपक? क्या हुआ? मेरी आंखें। वैसे कुछ भी कहो, मैंने आज से पहले किसी भी शादी में एक साथ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी। क्या बातें, लड़के वाले इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं? इन्हें लगता है इतना मक्खन लगाने से और दोस्ती बढ़ाने से हम इन्हें जूते दे देंगे। हेलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक जीजा जी 50,000 नहीं देंगे तब तक उनको जूते वापस नहीं मिलेंगे। 50,000?
हमें जूते दे रही हो या जूते की दुकान? अरे ये यहाँ क्या नैन मटका चल रहा है? क्या बात है सिमरन, जीजा जी के भाई पे दिल आ गया है क्या? चुप कर, कुछ भी बोल रही है, पागल हो गई है क्या? क्यों राहुल, तू कहे तो तेरी भी शादी की बात चला दे। गाइस, बेचारी सिमरन को एंबैरस मत कर रहे हैं। ओ, बेचारी सिमरन। सिमरन कहाँ जा रही है? शर्मा गई क्या? अरे जा ना राहुल, देख क्या रहा है, पकड़ ले उसे। अबे जा बे, बोल दे आई लव यू, जल्दी भाग, चल जा ना। और सुनिए, मौका छोड़ना मत। सिमरन, सिमरन रुको। सिमरन, अरे रुको यार। सिमरन, सिमरन अचानक कहाँ गायब हो गई? सिमरन, सिमरन कहाँ हो यार? सिमरन देखो, मजाक मत करो। सिम, सिमरन मुझे बताया कि तुम कहाँ हो, तो छुपने का कोई फायदा नहीं। सिमरन तुम? हाँ। क्या हुआ राहुल? मैंने यहाँ किसी को देखा। किसे? कोई था। कौन था राहुल? तुम ठीक तो हो? हाँ, नेवर माइंड। अब एक्चुअली जिस काम के लिए आया था मैं, वही काम भूल गया। अब सिमरन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब तुम्हारी बारी। आई लव यू राहुल। सिर्फ आई लव यू से काम नहीं चलेगा, इस रिंग के बजाय तुम्हें मुझे कोई तो गिफ्ट देना पड़ेगा। कैसी गिफ्ट? I don't know. कुछ भी। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। आंखें? करो ना बाबा। लो कर ली। जल्दी करो सिमरन। सिमरन मैं अपनी आंखें खोलने वाला हूँ। सिमरन, सिमरन मेरी गिफ्ट यार। ये क्या? फिर से शादी? हाँ, शादी हो रही है। क्यों? फ्री का खाना खाने आया है? चल भाग, भाग यहाँ से। ये शादी नहीं है, मातम है, मातम। ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच कर रहा हूँ मैं। वॉचमैन, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं साहब, पागल आदमी है साहब। आज की रात किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आज ये शादी हो गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगी, वो अकेले नहीं आएगी, अपने साथ बर्बादी और तबाही लेकर आएगी।
अरे चुप कर, जब से आया है मनहूस बातें करे जा रहा है। अरे शादी के शुभ मौके पर कोई ऐसी मनहूस बातें करता है क्या? शादी रुकवा दो ये शादी, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे क्या अनर्थ हो जाएगा, चल भाग भाग यहाँ से। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे। ये भगवान जिसका डर था वही हो गया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.